जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहाँ तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहाँ तो भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा, आप भी जानते हैं कि 92 में हुआ वो 22 में होगा। अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चित बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम अपने विवादित बयान से फिर सुर्खियों में है। एक कार्यक्रम में संगीत सोम ने कहा कि औरंगजेब जैसे लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी, 92 में बाबरी और 22 में ज्ञानवापी की बारी है। ऐसे लोगों को समझाना चाहता हूँ, आप लोग कहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो तथाकथित मस्जिद है उसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मैं जानता हूँ आप क्यों कहते हैं उसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अधिकारी कोर्ट के आदेश पे जो गए हैं, जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहाँ तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहाँ तो भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा, आप भी जानते हैं कि 92 में हुआ वो 22 में होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ और इसी जैसे लोगों को चेताना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आज भगवान रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी का मंदिर, हमारे रामलला का मंदिर अयोध्या में तेजी से बन रहा है। आप चिंता मत करो, ज्ञानवापी का भी असली रूप जल्दी सामने। दरअसल पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम का ये बयान मेरठ के ज्वालागढ़ में महाराणा प्रताप की जयंती के दौरान सामने आया है, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। वहां इस बीच संगीत सोम का ये बयान काफी भड़काऊ है। संगीत सोम के इस धमकी भरे बयान पर अब संभल के मौलाना मोहम्मद मियां ने भी कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि अपनी पार्टी की सियासत को चमकाने के लिए मुल्क को बर्बाद करने वाले कभी भी मुल्क से मोहब्बत करने वाले नहीं हो सकते। बता दें कि पिछले साल 5 महिलाओं ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा दर्शन की याचिका दी थी। इसके बाद कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी का आदेश दिया, जिसके बाद से ही यहां हंगामा तेज हो गया है। पिछले दिनों सर्वे करने वाली टीम को मस्जिद समर्थकों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ा, लिहाजा विरोध के बाद से यह मामला लगातार सुर्खियों में है।